नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम अशोक लेलैंड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अशोक लेलैंड स्टॉक की बात की जाए तो 144.85 पे रिसेंटली यहाँ पे ट्रेडिंग करा है। अशोक लेलैंड स्टॉक आज क्लोजिंग दे चुका है 145 लेवल के नीचे। अशोक लेलैंड थोड़ा सा वीक नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अशोक लेलैंड के अंदर 1 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है और सबसे पहले यहाँ पे कोई खास न्यूज है क्या, उसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। तो अशोक लेलैंड की बात की जाए तो कोई खास अपडेट नहीं है। अशोक लेलैंड अमंग इट्स प्रिफर्ड मिड कैप स्टॉक फ्रॉम मोटिवाल ऑल बुलिश बेट्स। तो यहाँ पे अशोक लेलैंड पे भी काफी एनालिस्ट यहाँ पे बाइंग की कॉल देते हुए नजर आ चुके हैं। फिर भी यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। 145 लेवल को ब्रेक करेगा तो आगे की जो लेवल से 150 तक जाने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं। 150 मीन्स आगे के ऊपर की जो लेवल है 160, उसको ब्रेकआउट मिलता है तो और ऊपर जाने के चांसेस नजर आ सकते हैं। लास्ट 5 डेज में देख सकते कि 1.33% फिर स्टॉक टोटली। तो चार्ट के ऊपर यहाँ पे नजर डाली जाए तो एक सुबह में ओपन लास्ट 5 डेज में तो एक अच्छी मोमेंटम नजर आई है। मार्केट कैप 40,000 करोड़ के ऊपर स्टेबल है। पी रेशियो 67 थोड़ा ज्यादा ही हाई नजर आ चुका है। तो वॉल्यूम भी देखा जाए यहाँ पे अशोक लेलैंड का आज तो 28 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। ट्रेडेड वैल्यू जो है 4,100 लाख की ट्रेडेड वैल्यू देखने को मिले है। तो देख सकते कि सिक्योरिटी वाली डिलीवरी पोजिशन की भी बात की जाए तो 2,165 सॉरी यहाँ पे आप देख सकते 21 लाख में से तकरीबन 10 लाख क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके हैं, 49% से ज्यादा। तो चार्ट के ऊपर भी नजर डालेंगे स्टॉक के। तो चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते एक इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे, जो ब्लू कलर का जो मूविंग एवरेज है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव एरिया है यहाँ पे आप देख सकते अशोक लेलैंड के लिए। तो अशोक लेलैंड उसी सपोर्ट का उसी मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्टेबल था, पर जैसे उस मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट डाउन किया है स्टॉक ने तो रिसेंटली देख सकते कि स्टॉक 145 लेवल पे स्ट्रॉन्ग 145 टू 146 लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा है और ऊपर जाता है तो यहाँ पे जो 200 मूविंग एवरेज है उसका भी रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ जाएगा स्टॉक। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोग नजर डाल सकते हो।